महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत शुक्रवार को नागपुर दौरे पर थे। नागपुर में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार है, इसका निर्णय वो और दोनों उप मुख्यमंत्री मिलकर लेंगे। नागपुर दौरे पर आए महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री उदय सामंत ने मंत्रिमंडल विस्तार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र का मामला है। मेरा भी मानना है कि मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री मिल बैठकर जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। जब इस पर वास्तविक रूप से चर्चा होगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। एकत्र बसून लवकरात लवकर मंत्रिमंडळाचा विस्तार करते हा विश्वास मला वन प्रधान नरेंद्र मोदी का शुक्रवार को शिरडी दौरा था। इस दौरे के दौरान एक सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा में दिए वन प्रधान के भाषण पर विरोधी पक्षों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वे भाषण पर टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उदय सामंत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने शिरडी का दौरा किया, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो किया वो आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ। किसान को अपने पैरों पर खड़ा करने का प्रयास पहले किसी ने नहीं किया। उदय सावंत ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे हमेशा कोसते रहते हैं, ताने मारते रहते हैं, बताओ वो कब कोसते नहीं। पंतप्रधान झाल्यानंतर त्यांनी शेतकऱ्यांसाठीच्या उपाययोजना केलेल्या आहेत, तो शेतकऱ्याला स्वतःच्या पायावर उभारण्यासाठी त्याचे काही प्रयत्न केलेले आहेत ते आजपर्यंतच्या राजकीय इतिहासामध्ये कधीही झालेले नव्हते। म्हणूनच तरी शेतकऱ्यांना उभं करण्यासाठी उदय सामंत ने मराठा आरक्षण पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं खुद जारंगे पाटिल से मिला था, हम चाहते हैं कि मराठा आरक्षण अदालत में बचा रहे, लेकिन सरकार बदलने के बाद यह टिक नहीं सका। मराठा आरक्षण का इतिहास भी यही है, इसलिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम ऐसा आरक्षण देना चाहते हैं जिसमें कोई बाधा ना आए। मला असं वाटतं की रांगे पाटलांचा जो विषय आहे मी देखील स्वतःपणा मागच्या आंदोलनामध्ये घेतलेलो होतो आणि मराठा आरक्षण हे न्यायालयामध्ये टिकणारं आम्हाला द्यायचं आहे। आपल्याच नागपूरच्या सुपुत्रामध्ये दिलेलं होतं, हायकोर्टामध्ये टिकवलं होतं दोन सूचने, परंतु सरकार बदललं, सुप्रीम कोर्टामध्ये हे टिकू शकले नाही। हा देखील मराठा आरक्षणाचा इतिहास आहे आणि म्हणून मला असं वाटतं की आम्हाला जे मराठा आरक्षण द्यायचं आहे शिंदे सरकारच्या नेतृत्वाखाली न्यायालयामध्ये टिकणार आणि कुठूनही त्याला बाधा न पोचणार असं आम्हाला आरक्षण द्यायचं। उद्योग मंत्री उदय सामंत शुक्रवार को यवतमाल दौरे पर, इस दौरे के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आज यवतमाल और वर्धा के दौरे पर हूं। यवतमाल जिले के लिए उद्योग विभाग से बहुत कुछ लेते हुए MIDC मुद्दों के समाधान के अनुरूप बैठकें आयोजित की जाएंगी। मला असं वाटतं की यवतमाळ जिल्ह्याला उद्योग विभागाकडनं भरपूर काही देऊन मी तिथे जाणार आहे तर विशेषतः विदर्भामध्ये देखील उद्योग यावेत यासाठी आमचा सगळ्यांचा प्रयत्न। महाराष्ट्र में आमदार अपात्र मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उदय सामंत ने कहा कि हमने चुनाव आयोग को उचित दस्तावेज सौंपे, इसलिए हम धनुष्यबाण एकनाथ शिंदे साहब की तरह ही सच्चे दस्तावेजों को झूठे दस्तावेजों के साथ मिश्रित किए बिना विधानसभा के अध्यक्ष को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। निवडणूक आयोगाकडे आम्ही माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांची कागदपत्र दिलेली आहे, तशाच पद्धतीचे खरे कागदपत्र मोठ्या सह्या न मारता हे आम्ही विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे सादर करू सादर केलेले आहेत आणि आम्हाला विश्वास आहे की विधानसभेचे अध्यक्ष योग्य पुन्हा घेतील। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोहोळ के साथ अभिषेक पानसी BCN News नागपूर।